بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد तो सबसे रेडी है मुकम्मल याद करके आप जी अच्छी बात है तो सबसे पहले कितने तकरीबन 3 महीने से पढ़ रहे हैं आप दोनों जी ना नाम बताकर कहाँ पर रहते हैं अच्छा ओके उसके बाद अबू बकर मैं ही बता दिया अबू बकर का नाम तो हाँ मेरा नाम अबू बकर है हम लोग हैदराबाद से मगर हम लोग रियाद में रहते मेरा नाम मैं 5th grade में रहता अच्छी बात माशाल्लाह तो आप क्या पढ़ते हैं आप स्टूडेंट्स हैं तो क्या पढ़ते हैं आप अरबिक पढ़ते हैं जो भी इल्म सीखते हैं तो सबसे पहले क्या करना है उस किताब का अदब करना है उसका एहतराम करना है उसकी इज्जत करना है चाहे जो भी किताब हो अगर आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो और भी ज़्यादा इसका एहतराम और इसका अदब करना है कुरान मजीद अच्छी बात तो कुरान मजीद किसकी किताब है अल्लाह सुबहानहु व तआला की किताब है माशाल्लाह तो अल्लाह सुबहानहु व तआला का अदब कैसे करना है अबू बकर बताइए हमें कुरान नमाज पढ़ना कुरान की तिलावत करना ज़कात करना रमज़ान के रोज़े रहना माशाल्लाह कुरान मजीद पढ़कर तिलावत करके अल्लाह ताला का अदब कर सकते हैं तो इससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद की बेअदबी अल्लाह ताला की बेअदबी है कुरान के साथ अदब करना अल्लाह ताला के साथ अदब करने के बराबर है माशाल्लाह तो उसके बाद जहाँ जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं उस किताब का अदब करना है और जिस उस्ताद के पास पढ़ रहे हैं उस उस्ताद का भी अदब करना है अच्छा तो नमीरा बताइए कि उस्ताद का अदब कैसे करते हैं उस्ताद की बात सुनना उस्ताद क्या बोला पैर खिला के नहीं बैठना हैंड फोल्ड करके बैठना उस्ताद क्या बोल रहे वो बात सुनना माशाल्लाह माशाल्लाह तो उसका कोई एक वाकया बता सकते हैं क्या उस्ताद का अदब किस तरह करना है जी उस्ताद शाफी उस्ताद मालिक का कैसा अदब करते थे उस्ताद मालिक अना कुरान पढ़ रहे उनका पेज खत्म करता ना उनको एक तकलीफ पे होने लगते थे ना हल्लू पेज पलटा देते माशाल्लाह माशाल्लाह यानी इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद के पास इतना अदब करते थे अपने उस्ताद का कि पेज पलटाने को भी बेअदबी समझा उन्होंने कि पेज पलटने की आवाज़ उस्ताद सुन लें और उस्ताद को तकलीफ़ हो जाए उस्ताद की शान में गुस्ताखी हो जाए यानी अपने उस्ताद का इतना ज़्यादा अदब और एहतराम करते थे इमाम शाफ़ई वो ख़ुद इतने बड़े इमाम इतने बड़े आलिम थे इमाम शाफ़ई और वो अपने उस्ताद का इतना ज़्यादा अदब कर रहे हैं इतना एहतराम कर रहे हैं मगर आज हम सब कहाँ करते हैं उस्तादों का अदब आज तो उस्तादों के सामने आज के स्टूडेंट्स कैसे पैर फैला के बैठना उनके सामने टेक लगा के बैठना उनसे ज़ोर ज़ोर से बातें करना ये बिल्कुल उस्ताद की शान में गुस्ताखी है अगर आप किसी उस्ताद के पास नूरानी कायदा पढ़ रहे हों या फिर तफसीर बैजावी कुरान की बड़ी तफसीर पढ़ रहे हों जितना अदब आप बड़े उस्ताद का करते हैं कुरान मजीद तफसीर पढ़ाने वाले का उतना ही अदब नूरानी कायदा पढ़ाने वाले के उस्ताद का भी करना है अगर आप किसी छोटी उर्दू की छोटी किताब पढ़ रहे हैं या फिर किसी उस्ताद के बाद हदीस की बड़ी किताब बुखारी मुस्लिम पढ़ रहे हैं तो दोनों का भी वही अदब करना है जितना अदब आप बुखारी पढ़ाने वाले का करते हैं उतना ही अदब आप उर्दू की छोटी किताब पढ़ाने वाले उस्ताद का भी करना है मगर अल्लाह हमें नेक तौफीक दे उस्ताद के अदब करने की उनकी इज्जत करने की आमीन अच्छी बात है तो उसके बाद कितने सूरतें याद हैं आपको 22
22, दोनों को भी 22 याद है जी जी, अच्छी बात है। तो पढ़िए सबसे पहले नमीरा पढ़िए एक सूरत। بسم الله الرحمن الرحيم سورة العاديات والعاديات ضبحا فالمغيرات قدحا فالمغيرات صبحا فعصرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لرب وإنه على ذلك لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور فحصل ما في الصدور إن ربهم بهم माशाल्लाह माशाल्लाह बारकल्ला, बहुत अच्छे। तो सूरतुल आदियात पढ़े हैं नमीरा, वेरी गुड। उसके बाद पढ़िए अबू बकर एक सूरत पढ़िए जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुल मऊन अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ما شاء الله ما شاء الله very good. ابو بكر سورة الماعون پڑھے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ایک سوال آپ سے کہ پہلے کون سی کتاب ختم کی آپ، مطلب نورانی قاعدہ ختم کیے یا اچھی بات ہے نورانی قاعدہ ختم کیے، تو اس کے اندر سے ایک سوال کہ الف با تا تا یہ جو پورے الف سے یا تک ہیں اس کا نام کیا ہے؟ استاد یہ کس کے لیے سوال؟ ابو بکر کے لیے۔ حروف الہجا۔ حروف الہجا ماشاء اللہ ویری گڈ، حروف الہجا۔ اس کے بعد نمیرہ بتائیے تو حروف الہجا کتنے ہیں ٹوٹل؟ 28۔ گڈ، 28 ہیں اور ان 28 حروف کا نام ہے حروف الہجا، اچھی بات ہے۔ تو اس کے بعد ابو بکر بتائیے تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین بولے تو فتحتین کسرتین تمتین۔ ویری گڈ، فتحتین کسرتین تمتین، دو زبر دو زیر دو پیش بولتے ہیں اردو میں۔ ہاں نمیرہ کے لیے رسم الخط بولے تو کیا میننگ ہے نمیرہ؟ رسم الخط بولے تو لکھنے کے طریقے کو رائٹنگ کو رسم الخط بولتے ہیں ماشاء اللہ۔ ہاں تو قرآن مجید میں بہت ساری جگہ الف واو یا یا لکھے والا ہے، ہاں پڑھے نہیں جاتا۔ واو ماشاء اللہ ویری گڈ، پڑھے نہیں جاتا، تو اس کے ایک ایگزامپل بتا سکتے ہیں نمیرہ؟ جس کو کھینچنا نہیں ہے جلدی بول لینا ہے، بلانا بھی دھونا پڑ لینا ہے۔ اچھی بات ہے، ہاں تو بتائیے اور ایک مرتبہ رسم الخط کی ایگزامپل۔ ولا انا عابد ما عبدتم، ویری گڈ۔ تو یہاں پر انا بول کے کھینچنا نہیں ہے، یہاں پر کیسے جلدی پڑھ لینا، ولا انا عابد، اور افا اماتا نہیں پڑھ دے، افا اماتا۔ اوکے ویری گڈ۔ تو اس کے بعد اب ابو بکر کے لیے، ابو بکر مدہ کا کیا میننگ ہے؟ کھینچنا کھینچ کے پڑھنا۔ کتنے ہیں وہ؟ تین ہیں کون کون سے؟ الف واو یا۔ الف واو یا ماشاء اللہ، حرف مدہ تین ہے، الف واو یا، تو جہاں پر بھی الف واو یا آتا جملے کے درمیان میں وہاں تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے، اچھی بات ہے ماشاء اللہ۔ ہاں تو اس کے بعد اور کیا پڑھتے ہیں آپ، جیسے کہ اور دعائیں یاد ہیں نا آپ کو؟ دعائیں بتائیے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا بتائیے نمیرہ۔
सलातु वस्सलाम अला रसूलल्लाह अल्लाहुम मफ्तह ली अबवाब रहमतिक। वाह माशाल्लाह वेरी गुड। तो अक्सर लोग क्या करते हैं जब मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ो बोले तो क्या पढ़ते हैं? सिर्फ अल्लाहुम मफ्तह ली अबवाब रहमतिक पढ़ते हैं। हालांकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जब भी मस्जिद के अंदर दाखिल हो या फिर मस्जिद से बाहर निकलो तो पहले अल्लाह का नाम लेना है, उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है, उसके बाद अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक पढ़ना है। खाना खाते वक्त अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए या बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े तो हमारे साथ कौन दाखिल हो जाता खाने में? शैतान। हाँ वेरी गुड। अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए तो शैतान भी हमारे साथ खाने में शामिल हो जाता, या फिर आप शैतान को दावत पर बुला रहे हैं या फिर शैतान को इनविटेशन कार्ड देते हैं वैसा देकर बुला रहे हैं आप खाना खाने के लिए कि आज मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, आप भी आ जाओ मेरे साथ खाने के लिए बोल के। तो हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल भी गए तो बिस्मिल्लाह फी अव्वलिही व आखिरी इस दुआ को पढ़ लेना है। तो अभी उसके बाद नमीरा बताइए नमीरा के लिए कि अजान के बाद की दुआ पढ़िए नमीरा। वेरी गुड माशाल्लाह इतनी है दुआ। वबअथु मकामन महमूदन अल्लज़ी वअद्दा, क्या फायदा है दुआ पढ़ने का? जन्नत में डाल दे अल्लाह हमारे का। अच्छा माशाल्लाह। और एक ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन क्या करेंगे हमारे लिए? हमारे लिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से रिक्वेस्ट करते कि एक मुसलमान को जन्नत में डाल दीजिए। वाह माशाल्लाह बहुत अच्छा वेरी गुड। तो इंसान क्या करता है कोई भी काम करने दो इंसान को, उसमें पहले क्या फ़ायदा वो देखता है? इंसान देखता नहीं देखता उसमें मेरा क्या फ़ायदा है, या फिर दुनिया का कोई काम हो या दीन का कोई काम हो उसका कुछ बेनिफिट है तो काम करता है इंसान। तो इस दुआ के अंदर कितना ज़्यादा फ़ायदा है, कितनी फजीलत है इस दुआ की कि जो शख्स हर अजान के बाद इस दुआ को पढ़ लेता है अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति तामा इस मुकम्मल दुआ को, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसे बंदे के लिए कल क़यामत के दिन मेरी शिफात वाजिब हो गई, हलत लहू शफाअती यौमल क़ियामा, कि ऐसे बंदे के लिए मेरी सिफारिश मेरी रिक्वेस्ट वाजिब हो गई। और जिस बंदे के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सिफारिश कर दें तो फिर ऐसा बंदा अल्लाह के पास कामयाब हो जाएगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा और वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वेरी गुड। मगर आयतुल कुर्सी पढ़िए अबू बकर। الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء علمه वेरी गुड माशाल्लाह बारकल्लाह बारकल्लाह फी इल्मिक। तो माशाल्लाह अबू बकर आयतल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा मुकम्मल पढ़ लिए हैं, अच्छी बात है। तो इसकी कुछ फजीलत मालूम है अबू बकर आयतल कुर्सी? जी हाँ। क्या है? जो रात में आयतल कुर्सी की तिलावत करता है अल्लाह ताला जो जन्नत से एक फरिश्ते को भेजता है कि इन शख्स की तिलावत करना, वो पूरा फरिश्ता आज से लेके पूरा फजर तक हमारी हिफाजत करता है। माशाल्लाह वेरी गुड माशाल्लाह। ये आयतल कुर्सी एक दुआ भी है और कुरान की आयत भी है, ये तो बता नमीरा बता सकते हैं क्या ये किस सूरत की सूरत कौन सी है? ये सूरत
आयतल कुर्सी कौन सी सूरत में? हाँ वेरी गुड माशाल्लाह, सूरतुल बकरा। उसके बाद अबू बकर बताइए जी, थर्ड जूज। अबू बकर उसका आयत नंबर मालूम है आपको? जी जी, क्या है वो? 255। वेरी गुड माशाल्लाह, सूरतुल बकरा थर्ड जूज आयत नंबर 255। वेरी गुड माशाल्लाह। उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत बता सकते हैं क्या नमीरा? अब जैसे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अगर कोई पढ़ लेता है तो उसकी क्या फजीलत है? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मन सल्ला अलैया वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा, जिस बंदे ने मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजा, एक मर्तबा इस दुआ को पढ़ के भेजा, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, तो अल्लाह ताला आसमान से 10 रहमतें 10 बरकतें नाजिल करेगा ऐसे बंदे के लिए। तो उसके बाद कोई हदीस सुना सकते हैं क्या अबू बकर? माशाल्लाह वेरी गुड। कौन सी किताब में हदीस है मालूम? बुखारी हदीस। वाह माशाल्लाह वेरी गुड, बुखारी और मुस्लिम इस किताब। वेरी गुड, फर्स्ट हदीस, वेरी गुड, पहली हदीस है, अच्छी बात। तो नमीरा एक हदीस सुना सकते हैं नमीरा? قال رسول صلى الله عليه وسلم أزل الذكر لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله very good ذكر لا إله إلا الله ما شاء الله very good سبسے بہترین سبسے بیسٹ ذکر لا إله إلا الله ہے हाँ। तो अबू बकर ये जो हदीस पढ़े आप इन्नमल अमालु बिन्नियात, इसका क्या मतलब है? यानी कोई भी काम कर रहे हैं तो किसके लिए करना है? तो अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह के लिए करना है माशाल्लाह। दिल में यकीन में रहना कि हम लोग लोगों को बताने के लिए कर रहे हैं। वेरी गुड, मैं ये कर सकता हूँ। जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो इसके बारे में जो लोग दुनिया में लोगों को दिखाने के लिए या फिर नाम कमाने के लिए काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, तो कयामत के दिन ऐसे कितने किस्म के लोग आएंगे कल कयामत के दिन अल्लाह के पास? कितने किस्म के? तीन किस्म के लोग आएंगे माशाल्लाह। तो उसमें से एक पहला आदमी कौन होगा अबू बकर? उसमें से कारी रहेगा। वाह माशाल्लाह कारी, और एक दूसरा मालदार, तीसरा बॉडीगार्ड, ताकतवर, शक्तिशाली बोलते क्या अबू बकर? क्या बोलते हैं उसे? शक्तिशाली। अच्छा शक्तिशाली, हाँ। तो कारी आकर क्या बोलता अल्लाह के पास? कारी आके अल्लाह के पास बोलता कि मैंने कुरान की तिलावत की, जिस लोगों को कुरान नहीं आता मैंने उन लोगों को पढ़ाया, मैंने अच्छी नमाज से कुरान की तिलावत की। अच्छी बात है माशाल्लाह। उसके बाद मालदार आकर क्या बोलता अबू बकर अल्लाह के पास? ओ मालदार आके बोलता ए अल्लाह तूने मुझे इतना माल दिया कि इसके पास खाना नहीं था, कौन गरीब थे मैंने उनकी मदद की, किस कौन बीमार थे उनको मैंने पैसे दिए, कि कौन इसके पास खाने के लिए खाना नहीं था मैंने उनको पैसे दिए। माशाल्लाह वेरी गुड, बंगले दिए। हाँ हाँ हाँ, ये वैसे ही आकर बॉडीगार्ड भी कहेगा अल्लाह के पास कि मैंने जो जुल्म किया उसको जाके रोका और मजलूम का डिफेंस किया। तो दिखने में ये तीनों काम है ना बहुत अच्छे लग रहे हैं, खैर के काम लग रहे हैं, खिलाना है, ये तीनों काम बहुत अच्छे लग रहे हैं, गरीबों को खिलाना, हेल्प करना, मदद करना, फिर कुरान की तिलावत करना, मजलूम का डिफेंस करना। तो अल्लाह ताला इन लोगों को क्या करेगा, क्या हुक्म देगा इन तीन लोगों के बारे में? तीन लोगों के बारे में अल्लाह ताला क्या हुक्म देगा? तीन लोगों को अल्लाह फरिश्तों को बुलाता है, एक फरिश्ते को बुला के इन तीनों के पैर पकड़ के मुंह के ऊपर खींच के दोजख में डाल दो। माशाल्लाह,
ये तीनों को अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इन तीनों के पैर पकड़े घसीटे जहन्नम की आग में डाल दो। तो इसलिए कि ये लोग दुनिया में कुरान पढ़ते थे लोगों को दिखाने के लिए, इज्जत के लिए, फेमस होने के लिए, किसी गरीब की मदद करते या फिर किसी मजबूर को खिलाते, किसी भूखे को खाना खिलाते, तो सिर्फ नाम कमाने के लिए कि लोग मुझे मालदार कहें, मुझे पैसे वाला कहें, कि मुझे बहुत सखी आदमी कहें। ये सारी चीजें उस आदमी को दुनिया के अंदर मिल जाएंगी, मगर अल्लाह के पास सिर्फ जहन्नम की आग में जलना है। जहन्नम की जलती हुई आग में वही उसका जजा है, वही उसका बदला है अल्लाह के पास। जब भी कुरान पढ़ रहे हैं तो तजवीद के साथ, मखरज के साथ पढ़ना कुरान को। अगर तजवीद के साथ, मखारिज के साथ नहीं पढ़ेंगे तो उसके मीनिंग में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता। जैसे कि मिनल जिन्नति वन नास है, जिन्नति बोले तो हम जिन्नात से और बुरे लोगों से पनाह मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, कि अल्लाह मुझे खबीज जिन्नों से और बुरे लोगों से मेरी हिफाजत फरमा। अगर आप वहाँ पर मिनल जन्नति वन नास पढ़ेंगे तो क्या मीनिंग हो जाता उसका, अल्लाह मुझे जन्नत में जाना नहीं है, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, जन्नत से पनाह मांग रहे हैं आप। तो सिर्फ कसरा और फतहा लगाने से कितना फर्क पड़ जाता मानों के अंदर। कल्ब, कल्ब काफ लाम बे क्या होता, कल्ब, और कौफ लाम बा कल्ब। कल्ब का मीनिंग है कुत्ता और कल्ब का मीनिंग है दिल। सिर्फ कौफ काफ में कितना फर्क है देखो, सिर्फ कल्ब बोल रहे हैं तो कुत्ता मीनिंग आ रहा उसका, कल्ब बोल रहे हैं तो दिल मीनिंग आ रहा। अच्छी बात। तो हमेशा जब भी कुरान पढ़ रहे हैं मखारिज के साथ, तजवीज के साथ, अच्छी आवाज से पढ़ना और कुरान मजीद का अदब करना, उसका एहतराम करना, गोया कि हम अल्लाह का अदब कर रहे हैं, अल्लाह का एहतराम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह वेरी गुड, आप दोनों ने अच्छी तैयारी की, अच्छा परफॉर्मेंस किया आप दोनों ने। ओके जी सर, अब हमारे से बोलने की चुना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस का वो वाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी काम किया है, जो भी काम अच्छी बात है, हाँ अभी करे, अच्छी बात है, शांति करे, और आप सल्लम देख के चुप बैठने को उसको हदीस बोलते हैं। वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड, बारकल्लाह फी इल्मिक, माशाल्लाह अच्छा तैयारी किए आप दोनों। और बाकी का जो बचा है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में या टू वीक्स बाद में उसका एग्ज़ाम लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस किया आप। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। ओके तो दुआ पढ़ी अब मजलिस ख़त्म होने की, क्लास ख़त्म होने की दुआ कौन सी है? बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके।